सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक। लगातार ये दूसरी बार यूके के किसी कंट्री में हमें क्लैश एट द कैसल 15 जून 2023 को देखने को मिलने वाला है। करीब 5 मैचेस को WWE ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो उन्हीं मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और चलिए चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं WWE के वुमेन्स चैंपियनशिप के। तो पाइपर नेविन के होम टाउन स्कॉटलैंड में WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए वो बेली को फेस करने वाली हैं, और चैंपियन बेली अपना चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखेंगे चैलेंजर पाइपर नेविन के अगेंस्ट। सेकेंड मैच की बात कर लीजिए गाइस, तो ये मैच हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है सेमी जेन वर्सेस चैड केबल के बीच में। अब देखो, चैड केबल का जो कैरेक्टर है वो अभी हील वाला कैरेक्टर है, सेमी जेन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इनके फैक्शन में, और गाइस इसी को देखते हुए क्लैश एट द कैसल में अपना IC चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखेंगे चैड केबल के अगेंस्ट। थर्ड मैच होगा गाइस हमें WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट के बीच में। ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट का जो राइवलरी है, जब ड्रू मैकइंटायर मतलब वर्ल्ड चैंपियन नहीं भी रहते हैं तभी से हमें देखने को मिल रहा है साल 2023 से ही, और अचानक से ट्रिपल एच इस वाले मैच को अनाउंस करते हैं पिछले WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट में, और ये वाला मैच हो सकता है क्लैश एट द कैसल स्कॉटलैंड में हमें मेन इवेंट देखने को मिल जाए। फोर्थ मैच की बात कर लीजिए गाइस, तो ये वाला मैच हमें आई क्यूट मैच देखने को मिलने वाला है फॉर दी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप कोडी रोड्स वर्सेज एज स्टाइल के बीच में। लियोन फ्रांस में भी हमें ये वाला मैच देखने को मिलता है, लेकिन गाइस इस बार जब ये दोनों सुपरस्टार आपस में भिड़ेंगे तो एक आई क्यूट मैच का स्टिपुलेशन ऐड है, जो भी अपने ओपोनेंट को पहले बार आई क्यूट बुलाएगा या तो अपने चैंपियनशिप को रिटेन करेगा या नया चैंपियन कहलाएगा। वहीं पे गाइस लास्ट मैच की बात कर ली जाए, तो ये वाला मैच हमें वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है। जेट कारगिल एंड बियंका बेलर अपना वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी दो टैग टीम के अगेंस्ट। तो गाइस कुछ यही 5 मैचेस है जिसको WWE ने अभी तक अनाउंस कर दिया है क्लैश एट द कैसल के लिए। तो गाइस इसके बारे में आपको क्या कहना है आप मुझे जाकर बता सकते हो। वहीं पे गाइस रोमन रेंस के रिटर्न की बात कर ली जाए, तो गाइस काफी सारे अपडेट का ये कहना है कि WWE प्लान बना रही है कि जुलाई के मंथ में हेड ऑफ द टेबल एंड फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का फाइनली WWE के टेलीविजन पर रिटर्न हो जाएगा। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रोमन रेंस का हमें कब रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं पे गाइस ब्लड लाइन की बात कर ली जाए गाइस, तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के मेन इवेंट में हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है ब्लड लाइन का। लग ही रहा है कि क्लैश एट द कैसल में ब्लड लाइन केविन ओवेंस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में कोई ना कोई मैच को WWE जरूरी अनाउंस करेगी। अब ऐसा तो नहीं कि 5 मैचेस के साथ इतने बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट स्कॉटलैंड में क्लैश एट द कैसल को WWE लेके जाएगी, तो देखते हैं गाइस कि क्या होता है। लेकिन अभी के लिए गाइस 5 मैचेस को WWE ने अनाउंस कर दिया है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।